हेलो गाइस, आज मेरी मम्मी जी आपको बताएगी पिकल की फुल रेसिपी। तो भाई अचार का मौसम चल रहा है, भाई इस समर है, समर में अचार का ढाक रहा है, तो अचार घर ना का लेना थी, पर मैं अपना रेसिपी बताऊँ। अगर 5 किलो आपने अमली डालनी है तो उन्हें काट का एक दिन धूप में सुखा दो, और मतलब कि जो परचून की दुकान है उस पर 5 किलो अम्बी बोल गए मसाला लिया हो, क्यों सारा बेरा हो है, और वो 5 किलो अम्बिया का मसाला बढ़िया बनाया आपने दे देंगे, आपने दुखियों की टेंशन ठानी दो, जिसमें कलंजी हो है और ये सौंप हो है और ये मेथी दाना हो है और आधी मिर्ची और नमक, वो अपने मानता अपना आप दे देंगे, और उन्हें परात में डालकर सारे मसाले ने, और उसमें थोड़ा सा तेल भी इतना डाले कि भाई मसाला सारा हम भी आप चट जाए, और उन्हें हफ्ता मिलाकर और सारा डालकर जो बाकी बचता मसाला हो फेमस जिस भी बर्तन हम डालो और ऊपर सारा डालकर और उसमें 3 दिन खतर बंद कर दो, और 3 दिन के बाद क्योंकि उसमें पसीज जाएगा, 3 दिन के बाद फिर उसमें मतलब कि तेल डालो बढ़िया वाला, कच्चा डालो पका कर ठंडा करके डालो तो डालो, लेकिन ठंडा करके डालो, गर्म नहीं डालना आपने, अगर तो ऊपर का तेल ना चिरा दो तकरीबन हो सकता, तेल का बहुत ध्यान रखना, तेल आप नंबर उनका बढ़िया डालना, आपका अचार कभी खराब नहीं होगा, और आपका डलोटा बहुत बढ़िया अचार आपका बन जाएगा, हम तो भैया इस साल डाल रहा हूँ, हमारे पापा डाला कर भी लोग आपने देखा भी है, और मैं आपने बता दिया आपने बने, क्योंकि टेंशन ठाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं सोचा अचार को डालना आता है और कुछ है तो ऐसी कोई बात ना आपकी, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा रात का देना होना अगर अचार अरे गर्म होना चाहिए, बड़ा खाने काम को मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, एक टाइम सब्जी नहीं बन पाती तो अचार जरूर होना चाहिए, बाहर का बाजार का अचार हम जाए वहाँ तो कड़ा कड़ा हुए पाव क्योंकि केमिकल वगैरह चाहिए ज़्यादा डाला है, जो ये हुए हैं ये एक बोलिया करके बोले सरका सरका डालना है, तो घटका चारा में ऐसा कुछ नहीं होता, तो नमोल का अच्छा लगता तो घटका डालना था, तो मैंने आपकी रेसिपी बता दी है, जिन्हें घटका चारा अच्छा लगता हो आप इस पर डाल सको हो, आपने को देखो उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं है कि भाई अचार वहाँ डालाना आता है और कुछ ना हमारा खराब हो जाए या फूल लग जाए, ऐसा कुछ ना होता, अगर आप तरीके से डालोगे एक बार का खास ध्यान रखना है, हम भी आपने एक दिन पूरी धूप में सुखानी है, उनमें मॉइस्चराइजर हो गया मतलब गिल्लापन होगा, गिल्लापन सूखना चाहिए, अगर जो जिस बर्तन में आप डालो प्लास्टिक के बर्तन में डालो या वही कंच का या जो चीनी का बर्तन उसमें डालो, बर्तन बिल्कुल पूछ लो गिल्ला नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, उसकी वजह से भी मतलब कारण हो गया चार आपका खराब हो गया फसल गिला है, और एक बार अचार उसमें मतलब मत काटो, जिसने निकालना है बच्चों ने एक बार निकाल कर मतलब कि अपना 5-4 दिन का अचार रख लो और अपन करके रख लो, बार बार बच्चे हाथ ना लगाओ अभी गंदे अच्छे, तो मतलब कि इसलिए अचार भी खराब होने का कारण भी हो रहा है, तो कि आपने बारिश में बारिश आ गए सामने में तो आप मतलब बारिश आ गया तो अचार ने बाहर रख दो, ऊपर तो बूंद पड़ेंगी तो भी मतलब कि अंदर अचार पसी जगह बिल्कुल बंद करते हैं, पहले खोल कर रख दो बंद करके रखना है भाई, बिल्कुल टाइट बंद करके हैं और बारिश में उन्हें रख दो, तो 4 बार जब बारिश आवे बहुत बढ़िया अचार हो जाएगा आपका, और खाइयो मजे करियो, सारा साल खाइयो भाई, सारा सील सारा साल आपकी मौत हो जाएगी, और आपने कहोगे कंटीन्यू रेसिपी बताई थी, बढ़िया सी रेसिपी बताई थी,